हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे देखिए अभी हम चैप्टर नाइन करने जा रहे हैं चैप्टर एट हमारा कंप्लीट हो गया है उसकी जितनी भी लाइट्स ट्राई थी वो हमारी हो चुकी हैं अब हमारा है चैप्टर नाइन्थ डाटा हैंडलिंग ठीक है डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे तो डाटा हैंडलिंग में क्या क्या चीज़ें हो सकती है आपके पास में जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है डाटा हैंडलिंग आपको कुछ डाटा दिया जाएगा उसको आपने एक फॉर्म में अरेंज करना है जैसे टेलीमार्क्स वग़ैरह इसमें आ सकते हैं और पिक्टोग्राफ आ सकता है बार ग्राफ आ सकता है तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर की जाएंगी कि किस तरह से आप कोई भी ग्राफ जो है वो बना सकते हैं टेलीमार्क से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम आपको राइट डाउन कराते हैं चलते हैं अपनी नोटबुक पे देखिए यहां पर डाटा सबसे पहली बात आती है डाटा क्या होता है ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो गिवन है उसको कलेक्ट करना वो क्या कहलाता है डाटा कहलाता है फिर आता है फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन रिपीट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कोई भी आपकी ऑब्जर्वेशन है वो जितनी बार रिपीट हो रही है जैसे मान लो एक नंबर है टू और उसमें वो टू कितनी बार आ रहा है चार बार या पांच बार तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई उसकी चार हो गई या पांच जितने बार वो नंबर रिपीट हो रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी टेलीमार्क्स के बारे में मैं बताता हूँ जैसे मान लो आपने वन को लिखना है तो वन को तो सिंपल एक इस तरह से वर्टिकल लाइन लगाएंगे टू के लिए दो वर्टिकल लाइन थ्री के लिए थ्री वर्टिकल लाइन फोर के लिए फोर वर्टिकल लाइन आ जाएंगी फाइव के लिए आपने क्या करना है जो ये चार वर्टिकल लाइन आपने लगाई ना फोर के लिए फिफ्थ के लिए इस लाइन को आपने ऐसे कट करना है ध्यान रहे ऐसे कट करना है इस टाइप से आप नहीं करेंगे ऐसे करेंगे सिक्स है तो वन टू थ्री फोर और ये कट करके फाइव और ये आ गया सिक्स इसी तरह से मान लो आपने सेवन को लिखना है तो सेवन को हम कैसे लिखेंगे वन टू थ्री फोर और ये फाइव और ये फिर आगे सिक्स और सेवन क्लियर है इस तरह से आप इन टेली मार्क्स को बनाएंगे अब हम चलते हैं अपनी लेट्स ट्राई फर्स्ट की तरफ ये देखिए ये हमारी लेट्स ट्राई फर्स्ट है इसमें आपके पास कुछ नंबर दिए गए दो क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन सेम है बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है इनमें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेक ए टेलीमार्क्स टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो इसमें जैसे वन नंबर है काउंटिंग देखो वन भी है टू भी है थ्री भी है मतलब सिक्स तक नंबर है तो आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लिख लेंगे और वन कितनी बार है वो इस टेबल में से काउंट करेंगे जैसे एक बार ये आ गया वन फिर ये आ गया टू फिर ये आ गया थ्री फिर ये फोर फाइव सिक्स सेवन इस तरह से वन हमारा कितने टाइम है सेवन फिर टू को कलेक्ट करेंगे कितने बार है देखिए नोटबुक पे समझाता हूं मैं इसको इस तरह से बनाएंगे आप लेट्स ट्राई फर्स्ट ये यहाँ पे लिखेंगे नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बीच में आएगा टेली मार्क्स और बाद में आएगी फ्रीक्वेंसी ठीक है ध्यान रखना ये चीज वन कितनी बार रिपीट है मेरा सेवन टाइम्स तो ये टेली मार्क्स बनाओ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और फ्रीक्वेंसी में आप लिखेंगे सेवन ऐसे ही टू काउंट करना है उन सभी नंबर्स में से तो टू कितने टाइम्स है मेरा सिक्स टाइम है फ्रीक्वेंसी में आप सिक्स लिखेंगे और यहाँ टेली मार्क्स ध्यान रखेंगे बीच में टेली मार्क्स ही बनाएंगे आप लोग फ्रीक्वेंसी बाद में लिखनी है क्लियर है ये चीज थर्ड है तीन कितनी बार है मेरा वन टू थ्री फोर फाइव टाइम्स है तो यहाँ आ गया फाइव फोर वन टू थ्री थ्री टाइम्स है तो यहाँ पर आ गया थ्री फाइव कितने टाइम है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व ट्वेल्व टाइम्स है फाइव ये आप अपना काउंट कर सकते हैं जो वो क्वेश्चन दिया गया है उसमें से अच्छे से सिक्स कितने टाइम है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन टाइम्स है अब इन फ्रीक्वेंसी को ऐड करके देखो टोटल कितना है फोर्टी और आप अपने क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हैं वहां पर भी फोर्टी डेज है यदि ये ठीक आ रहा है आपका सम ठीक है दैट मीन्स ठीक है क्वेश्चन यदि ये कम आ रहा है कुछ मान लो थर्टी नाइन थर्टी फाइव इसका मतलब आपने कोई ना कोई नंबर छोड़ दिया अच्छे से काउंट नहीं किया है ठीक है तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, डू योर सेल्फ सेम क्वेश्चन है कोई चेंजमेंट नहीं है ऐसे कैसा है आपने करना है ये इसके कुछ पार्ट हैं, वो मैं बता देता हूं ए पार्ट में तो वो सिंपली क्या कह रहा है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ तो आप ऐसे बनाएंगे जैसे ऊपर करके आए बी में क्या कह रहे हैं विच नंबर अपियर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे ना तो उसमें पता लग जाएगा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आई है तो वो क्या आएगा फाइव आएगा विच नंबर अपीयर लीस्ट नंबर ऑफ टाइम सबसे कम कौन सा नंबर आया लीस्ट तो आप देखेंगे टू और थ्री उसमें सबसे कम आए इज दैट क्लियर समझ आया तो ये आपकी ट्राई वन कंप्लीट हो गई है चलते हैं अपनी लेट्स ट्राई सेकंड की तरफ देखिए लेट्स ट्राई सेकंड है यूज योर नोटबुक टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अब इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है ये जो हमारे सामने बने हुए हैं ना ये क्या है पिक्टोग्राफ है क्या बना हुआ है ये पिक्टोग्राफ है इसमें आपने इस पिक्टोग्राफ को रीड करना है और जो नेक्स्ट आपकी आएगी लेट्स ट्राई थ्री उसमें पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है तो रीड करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे मैं बुक में सोल्व करा देता हूँ इनको आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन नोटबुक में करने हैं कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि बुक में सोल्व कराए हैं तो हम भी बुक में ही फिल कर लेते हैं लेट्स ट्राई टू को आप लोग लेट्स ट्राई टू कंप्लीट अपनी नोटबुक में करेंगे सभी बच्चे देखिए पिक्टोग्राफ गिवन बिलो द नंबर ऑफ ऑल राउंडर इन द क्रिकेट टीम ये सारे ऑलराउंडर्स हैं जो क्रिकेट टीम के हैं सभी कंट्रीवाइज इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज क्या कह रहे हैं नीचे ईच वन डायग्राम रिप्रेजेंट वन ऑलराउंडर मतलब इंडिया के कितने ऑलराउंडर हैं एक दो तीन चार पाँच ठीक है पाकिस्तान के कितने हैं टू इंग्लैंड के कितने हैं वन टू थ्री फोर ऑस्ट्रेलिया के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वेस्ट इंडीज के वन टू थ्री अब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं उनका आपने इस डायग्राम को देख के आंसर लिखना है विच कंट्री हैज द मोस्ट नंबर ऑफ ऑलराउंडर कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा ऑलराउंडर है देखो किसमें सबसे ज्यादा डायग्राम है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऑस्ट्रेलिया तो इसका आंसर क्या आएगा ऑस्ट्रेलिया आएगा ठीक है च कंट्री हैज मोर ऑलराउंडर वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान किस में ज्यादा है वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान में से वेस्ट इंडीज एंड पाकिस्तान में से कौन से में ज्यादा है वेस्ट इंडीज में ज्यादा है विच कंट्री हैज द लीस्ट नंबर ऑफ ऑलराउंडर लीस्ट नंबर मतलब सबसे कम किस में पाकिस्तान वन टू ठीक है इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान Which कंट्री हैज द सेकेंड मोस्ट नंबर ऑफ all rounder? सेकेंड मोस्ट मतलब फर्स्ट के बाद सेकेंड नंबर पर तो फर्स्ट पे तो ऑस्ट्रेलिया है हमारा सेकेंड पे क्या आ गया हमारा इंडिया आ गया ठीक है इसमें जो है ऑलराउंडर्स सेकेंड नंबर पर है क्लियर है ये चीज तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप लोग दोबारा एक बार देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो अच्छे से यहां से राइट डाउन कर सकते हैं आप वीडियो में से चलते हैं नेक्स्ट पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए मूवी थिएटर वाज ट्रैकिंग द नंबर ऑफ ऑफ बैग्स दे सोल्ड ईच डे दे द इंफॉर्मेशन इन द पिक्टोग्राफ बिलो स्टडी द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द दैट फॉलो संडे को ये आपके पॉपकॉर्न सोल्व हुए हैं मंडे को ये सोल्ड हुए हैं को वेडनेसडे को थर्सडे को इस तरह से ये सारे आपके सोल्ड हुए अब देखिए वन बैग रिप्रेजेंट टेन बैग जो एक डायग्राम है कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है टेन को ध्यान रखना मतलब एक डायग्राम बना हुआ है तो इसका मतलब कितने सोल्ड हुए हैं टेन दो डायग्राम बने हुए तो ट्वेंटी विच डे डिड द सेल द मोस्ट नंबर ऑफ बैग्स ऑफ पॉपकॉर्न मोस्ट नंबर सबसे ज्यादा कब सेल हुए हैं ये देखो इसमें सबसे ज्यादा डायग्राम है मंडे को तो इसका आंसर क्या आएगा मंडे लीस्ट नंबर ऑफ बैग्स दो ही यहाँ पे डायग्राम है ट्यूजडे ट्यूजडे इसका आंसर हो जाएगा ट्यूजडे विच डे डि मोर वेडनसडे और फ्राइडे वेडनसडे में देखो कितने वन टू थ्री और ये पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव ये हाफ डायग्राम है ध्यान रखेंगे सभी बच्चे देखो हाफ है ये कंप्लीट नहीं है तो थ्री पॉइंट फाइव है और कौन सा डे दिखाया गया है फ्राइडे फ्राइडे में है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो किस में ज्यादा है फ्राइडे में ज्यादा है इसका आंसर हो जाएगा फ्राइडे क्लियर है हाउ मेनी बैग्स डिड दे सेल ऑन संडे संडे को कितने सेल हुए हैं देखो संडे में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट बैग है और वन कितने को को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 10, 8 जा, 80. इसका आंसर हो गया 80. सेम ऐसे ही हाउ मैनी बैग्स डिड दे सेल ऑन सैटरडे सैटरडे को कितने सेल हुए हैं फोर्टी फाइव हाउ मेनी बैग्स ऑफ पॉपकॉर्न वर सोल्ड इन द होल वीक सारे वीक में कितने सोल हुए हैं तो आप क्या करेंगे ये जितने भी हैं सभी को क्या करेंगे काउंट करके और टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे एक चीज ध्यान रखेंगे कई जगह पर पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव है उसको अच्छे से आपने काउंट करना है तब टोटल पॉपकॉर्न कितने आएंगे आपके बैग जो सोल्ड हुए हैं वो फोर हंड्रेड आएंगे क्लियर है तो ये हमारी लेट्स स्ट्रेस सेकेंड थी बस इसमें दो ही क्वेश्चन थे जो आपने पिक्टोग्राफ को रीड करना था कंप्लीट हो गई है लेट्स ट्राई थर्ड पे चलते हैं अब लेट्स ट्राई थर्ड में आपने क्या करने होंगे इस तरह के पिक्टोग्राफ बनाने होंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे हम देखिए ये लेट्स ट्राई थर्ड है एक फर्स्ट uh, क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है दो क्वेश्चन है सिर्फ पिक्टोग्राफ के बनाने से रिलेटेड क्वेश्चन है uh, हम करते हैं इसको ए स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स वाज आस्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लासेस कितने स्टूडेंट हैं सेवेंटी सेवंथ में एट्टी नाइन्थ में नाइंटी फाइव एंड टेंथ में हंड्रेड रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन एज पिक्टोग्राफ वन स्माइली आपको कितने को रिप्रेजेंट करना है टेन स्टूडेंट्स को ठीक है ये चीज ध्यान में रखना है मतलब एक स्माइली जो है टेन को रिप्रेजेंट कर रही है तो सेवेंटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने स्माइल बनाने पड़ेंगे मुझे इससे डिवाइड कर दिया करो और 65 को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 मतलब स्माइली तो पूरे बनाने पड़ेंगे और एक स्माइली कैसा बनाना पड़ेगा हाफ आधा जब भी पॉइंट फाइव आ जाए तो आप ध्यान रखेंगे जो भी आप डायग्राम ले रहे हैं उसको क्या बनाएंगे हाफ बनाएंगे क्लियर है एट्टी के लिए एट स्माइली बनाने पड़ेंगे 95 के लिए 9.5 मतलब नाइन स्माइली तो कंप्लीट होंगे और एक स्माइली कैसा बनाएंगे आप हाफ बनाएंगे 100 के लिए 10 स्माइली आ जाएंगे ठीक है देखो नोटबुक पे मैं दिखाता हूँ आपको देखिए ये वन स्माइली रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट्स आप ऐसे लिखेंगे क्लास सिक्स सेवन एट नाइन टेन यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सिक्स में मेरे कितने स्टूडेंट हैं सेवेंटी तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन स्माइली बना दिए मैंने सेवन में कितने हैं मेरे सिक्सटी फाइव तो सिक्स पॉइंट फाइव स्माइली बनेंगे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव तो कंप्लीट हो गए और देखो ये सिक्स कैसा बनेगा हाफ़ बनेगा इसकी एक ही आईज आएगी दूसरा पोर्शन हाफ़ वाला नहीं आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट कंप्लीट है क्योंकि एट्टी हैं यहाँ नाइन्टी फाइव हैं तो देखो नाइन तो मैंने कंप्लीट बनाए हैं और जो पॉइंट फाइव है वो ऐसे बनाया है आपने भी ऐसे ही बनाना है सभी बच्चों ने टेंथ में मेरे हंड्रेड हैं तो टेंथ स्माइली कंप्लीट हो गए ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है लेट्स ट्राई थर्ड का ठीक है आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ सेकंड में क्या कह रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश हैं उनको आपने अरेंज करना है और एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है हंड्रेड को ठीक है एक डायग्राम कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है हंड्रेड को देखिए ये सेकंड का फर्स्ट एक जो डायग्राम है फिश का रिप्रेजेंट कर रहा है हंड्रेड को ये बेटा आप फिश अच्छे से बना लेंगे क्योंकि एक्चुअल में मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो ये फिश का जो डायग्राम है ये आपको सही नहीं लग रहा होगा लेकिन आपको जिन बच्चों को अच्छे से बनाना आता है वो इनको बना सकते हैं ठीक है मेरा थोड़ा ड्राइंग वीक है यहाँ पे फिश है टेट्रा कार बॉक्स फिश शार्क पेलचॉर्ड एंड पोर्ची ये तो एक फिश रिप्रेजेंट कर रही है हंड्रेड को नंबर ऑफ फिशेज यहाँ आप लिखेंगे टेट्रा में कितनी है मेरे पास 500 तो 500 है दैट मीन्स मैं कितने डायग्राम बनाऊंगा फाइव बनाऊंगा क्यों क्योंकि एक हंड्रेड को रिप्रेजेंट कर रही है तो हंड्रेड 200 300 400 500 हो गए कंप्लीट 500 तो सिक्स हंड्रेड होते तो मैं कितने डायग्राम बनाता सिक्स बनाता सेवन हंड्रेड होते तो सेवन बनाता मतलब जो भी जितना भी दिया गया है उसको हंड्रेड से आपने डिवाइड कर देना है जितने को रिप्रेजेंट कर मान लो यहां कहता एक फिश रिप्रेजेंट टू हंड्रेड तो फिर जो इनकी फ्रीक्वेंसी थी मैं उसको किससे डिवाइड करता टू हंड्रेड से करता ठीक है तो ये आप इस तरह से करेंगे ये इसमें पांच डायग्राम पूरे बनाएंगे में फिर आगे कितना कह रहे हैं नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड मतलब नौ डायग्राम कंप्लीट करेंगे आप ये बॉक्स फिश में कितना कह रहा है वन फिफ्टी uh, का मतलब है वन पॉइंट फाइव मतलब वन तो कंप्लीट बनेगा ये जो आप फिश बनाएंगे ना दूसरी ये कैसी बनाएंगे हाफ बनाएंगे सभी बच्चे ध्यान रखेंगे वन पॉइंट फाइव है तो एक फिश तो आप पूरी बनाएंगे और एक फिश क्या करेंगे आधी बनाएंगे बीच में से ठीक है बस ये रहेगा शार्क के लिए कितना है फिफ्टी है तो फिफ्टी में भी क्या होगी ये फिश आपकी हाफ होगी कंप्लीट नहीं होगी ये फिश कंप्लीट नहीं है ये फिश आपकी हाफ होगी क्योंकि एक पूरी रिप्रेजेंट कर रही है हंड्रेड को तो ये आपने हाफ बनानी है शार्क में ध्यान रखना फिर है इसमें कितनी होंगी वन टू जीरो हंड्रेड से डिवाइड किया तो ट्वेल्व आ गई ये आप ट्वेल्व फिश कंप्लीट बनाएंगे ये आपको फिश नहीं लग रही होगी लेकिन बेटा इनको आप फिश बनाएंगे अच्छे से ठीक है 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 फिर ये कितनी है? 600. तो यहाँ पर आप सिक्स फिश बना देंगे ठीक है ये आपका पिक्टोग्राफ रेडी हो गया अब इससे रिलेटेड नीचे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं हाउ मैनी फिश का डायग्राम है रिप्रेजेंट बॉक्स फिश बॉक्स फिश को कितने रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1.5 हाउ मेनी फिश रिप्रेजेंट पिल चार्ट फिक्स इस फिश इसको कर रहे हैं 12 कितने आएंगे 12 इज दैट क्लियर समझ आया ये आपका जो है पिक्टोग्राफ था आप इजीली इसको कर सकते हैं अब हम चलेंगे अपनी लेट्स टाइप फोर की तरफ अब उसमें क्या आ जाएगा बार ग्राफ आ जाएगा उसमें बार ग्राफ आपने रीड करना होगा पहले और जो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें बार ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा कि बार ग्राफ कैसे रीड करते हैं क्या चीजें होती है ठीक है देखिए लेट्स ट्राई फोर यूज योर नोटबुक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रिया वेंट टू ए कार शोरूम विद हर फादर वाइल फादर वॉज बिजी टॉकिंग टू द मैनेजर शी फाउंड ए पेम्पलेट मैंशनिंग द कलर ऑफ द डिफरेंट कार सोल्ड बाय द कंपनी लास्ट ईयर शिपुट द इन्फॉर्मेशन इन द बारग्राफ बिलो यूज द बारग्राफ आंसर द्वेश्चन ये देखो ये ऐसा बार ग्राफ होता है आप लोग अच्छे से देखेंगे बार ग्राफ में क्या होता है एक खाली एक पे फिर प्लॉट करना होता है फिर एक जगह खाली होता है फिर एक प्लॉट करना होता है ये बार ग्राफ होता है ये मैं आपको ड्रॉ करना बताऊंगा जब हम आगे चलेंगे अभी पहले वो क्या कह रहे हैं इसको रीड करना है हमने ये क्या है नंबर ऑफ कार सोल्ड ठीक है ये क्या है पर्पल सिल्वर कलर है मतलब पर्पल कलर की जो कार है वो कितनी सोल्ड हुई है नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड क्या है नंबर ऑफ कार्स है है ये कलर कलर सिल्वर की कितनी हुई है टू हंड्रेड येलो कलर की कितनी हुई है थ्री हंड्रेड व्हाइट कलर की कितनी हुई है हंड्रेड ब्लू की कार कितनी सोल्ड हुई है ब्लू कलर की थाउजेंड ऑरेंज कलर की कितनी हुई है सेवन हंड्रेड रेड कलर की कितनी हुई है फाइव हंड्रेड बस इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे वो हमने करने हैं ये भी आप फेयर नोटबुक में करेंगे मैंने बुक में ही सोल्व करके दिखाया हुआ है आप लोगों को आप लोग इसको नोटबुक में करेंगे हाउ मैनी पर्पल कार वर सोल्ड तो पर्पल कार कितनी सोल्ड हुई है नाइन हंड्रेड इसका आंसर आ जाएगा नाइन हंड्रेड विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर कलर ब्लू और पर्पल ब्लू और पर्पल में मोस्ट पॉपुलर कौन सा है देखो ब्लू नाइन हंड्रेड है नहीं पर्पल सॉरी पर्पल नाइन हंड्रेड है और ब्लू कितना है थाउजेंड तो इसका मतलब मोर पॉपुलर कौन सा हुआ ब्लू विच वाज द लीस्ट पॉपुलर सबसे कम पॉपुलर कौन सा है वाइट और ऑरेंज ऑरेंज कितना है सेवन हंड्रेड एंड व्हाइट कितना है हंड्रेड तो लीस्ट क्या हुआ वाइट हुआ ठीक है वाइट कलर यहां पे आंसर आ जाएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं देखिए, थ्री हंड्रेड कार्स ऑफ डैश कलर वर सोल्ड लास्ट ईयर तीन सौ कार देखो कौन से कलर की थी येलो कलर आएगा उसमें ठीक है वट वाज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पर्पल कार एंड ब्लू कार देखो पर्पल कार और ब्लू कार में डिफरेंस पूछ रहा है, तो ब्लू कार कितनी थी मेरी थाउजेंड पर्पल कितनी थी नाइन हंड्रेड डिफरेंस कितना आ गया थाउजेंड में से नाइन हंड्रेड को माइनस करना है हंड्रेड आंसर आ जाएगा ठीक है ट वाज द कम्बाइंड नंबर ऑफ वाइट कार्स एंड पर्पल कार्स तो पर्पल कार है नाइन हंड्रेड एंड वाइट है हंड्रेड कह रहे कंबाइंड नंबर मतलब दोनों को एड करना है कितनी हो गई टोटल थाउजेंड कार्स हो गई हाउ मैनी मोर सिल्वर कार वर सोल्ड देन वाइट कार्स सिल्वर कार है टू हंड्रेड वाइट है हंड्रेड तो कितनी ज्यादा सोल्ड हुई है सिल्वर कार हंड्रेड हंड्रेड पीसीज ज्यादा सोल्ड हुई है ठीक है माइनस कर देंगे हंड्रेड आंसर आ जाएगा हाउ मेनी फीवर वाइट कार्स वर सोल्ड रेड कार्स रेड कार है फाइव हंड्रेड और वाइट है हंड्रेड तो कितनी कम हुई है ये फोर हंड्रेड कम हुई है माइनस कर देंगे फोर हंड्रेड आ जाएगा ठीक है ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था सेकेंड क्वेश्चन है यूज द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हु द लोएस्ट मार्क ये यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट है नंबर ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट्स है ये और ये यहाँ पे इनका जो है मैथमेटिक्स का स्कोर है नितिन ने कितने मार्क्स लिए हैं एट्टी आरुष ने कितने लिए हैं सिक्सटी जेबा ने कितने लिए हैं नाइन्टी अनिता ने कितने लिए हैं हंड्रेड एंड श्याम ने कितने लिए हैं हमारे 90। अब क्या पूछ रहे हैं हुएस्ट मार्क इन द टेस्ट वट इज दिस स्कोर सबसे कम किसने लिए हैं मार्क्स आरुष ने ठीक है 60 और इसका स्कोर कितना है 60 आप यहाँ लिखेंगे इसका स्कोर भी पूछ रहा है तो स्कोर इक्वल टू 60 ठीक है इसका स्कोर कितना है 60 है डिड एनी ऑफ द स्टूडेंट ऑब्टेन द सेम स्कोर हु वर दे व्हाट स्कोर डिड दे ऑब्टेन यस श्याम एंड नितिन स्कोर सेम मार्क्स देखो श्याम का कितना है 80 एंड नितिन का भी कितना है 80 तो श्याम एंड नितिन स्कोर सेम मार्क्स और कितने मार्क्स हैं उनके एट्टी मार्क्स हैं क्लियर हुआ तो ये आपके दो क्वेश्चन थे इसमें लेट्स ट्राई फोर में दोनों कंप्लीट हो गए हैं अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज लेट्स ट्राई फाइव पे जिसमें कि आपने क्या करना है अपना जो ये आपका बार ग्राफ है ये ड्रॉ करना है बस उसमें ये क्वेश्चंस मिलेंगे तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट लेट्स पर देखिए लेट्स ट्राई फाइव यूज योअर नोटबुक टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन डेज दिए गए हैं मंडे ट्यूजडे वेनजडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग ए बारग्राफ अब इसको बारग्राफ बनाना है तो बारग्राफ हम कैसे बनाएंगे देखो मैं नोटबुक पे समझाता हूँ आप लोगों को अच्छे से ये भाई तो यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन हमारी हमने लेनी है हो लाइन और एक लेनी है ये वर्टिकल लाइन सबसे पहले इनको बनाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं अभी मैंने स्केल पेंसिल इसका यूज़ नहीं किया था लेकिन आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में स्केल एंड पेंसिल का यूज़ करेंगे कोई बच्चा इसको पेन से या विदाउट स्केल से नहीं बनाएगा ये चीज़ ध्यान में रखेंगे नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा ठीक है मैंने एक सिर्फ रफली आइडिया दिया है वीडियो में आपको समझाने के लिए ताकि आप फेयर में उसको अच्छे से पेंसिल एंड स्केल से उसको ड्रॉ कर सके अच्छा अब इसमें क्या करना है यहां स्टार्टिंग में लिखना होता है जीरो और इसके बाद इक्वल डिस्टेंस पे आप मार्क लगाएंगे ये आपका जो डिस्टेंस है ना ये इक्वल होना चाहिए ऐसा नहीं आपने एक मार्क तो यहां लगा दिया और दूसरा मार्क यहां लगा रहे हैं तीसरा यहां लगा दिया नहीं ऐसे नहीं करना है इक्वल डिस्टेंस पे चलेंगे जैसे यहां मैंने लिया सेवन सेवन से मैंने स्टार्ट किया है सेवन फोर्टीन आप कहीं से भी कर सकते हैं एट से भी टेन से भी लेकिन वो आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि कहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी भी आप लेके जा सकते हैं ये जो डिस्टेंस है बराबर रहेगा सेवन से किया है तो सेवन के बाद फोर्टीन फोरटीन के बाद ट्वेंटी वन इनका गैप भी देखो इक्वल है ऐसा नहीं कर सकते यहाँ आपने जीरो से सेवन कर दिया यहाँ फिर टेन कर दिया यहाँ ट्वेंटी कर दिया नहीं दैट्स रॉन्ग ये गलत है इक्वल डिस्टेंस इस लाइन का जो डिस्टेंस है ये भी इक्वल होना चाहिए मान लो आपने वन वन सेंटीमीटर के गैप पे लिया है ठीक है और ये डिस्टेंस भी आपका जो यहाँ पे आप करेंगे ना ये नंबर्स लिखेंगे ये भी आपके इक्वल उसमें होने चाहिए डिस्टेंस पे। ऐसे नहीं कि एक सेवन एक टेन कर दिया फिर एक फिफ्टीन कर दिया अब आप देख रहे हैं इनका जो डिफरेंस है कितना है सभी का सेवन सेवन आ रहा है और नीचे भी आपने एज इट इज ऐसे ही करना है इक्वल डिस्टेंस पे जितना यहाँ किया था ऐसे ही आपने मार्किंग करते हुए चले जाना है इक्वल डिस्टेंस पे वन वन सेंटीमीटर पे आप ले सकते हैं अब क्या करेंगे पहला नंबर ये जो लाइन है ना पहली स्टार्टिंग की ये आपने छोड़नी होती है यहां कुछ प्लॉट नहीं करेंगे दूसरे से स्टार्ट करते हैं यहां से आप लेंगे और देखो मंडे मंडे का कितना है फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स मेरा यहां पर है तो ये यह यहां से और यहां तक आप स्केल पेंसिल से इसको मिला देंगे एक लाइन ये दूसरी लाइन से ठीक है फिर एक छोड़ना बीच में ये गैप सेम फिर अगले से आपको मिलाना है ये कितना है ट्वेंटी एट ये आ गया ट्वेंटी एट इस तरह से चलेंगे फिर एक छोड़ेंगे ये फिर इसके बाद वेडनसडे मेरा था थर्टी फाइव ये मैंने थर्टी फाइव से मिला दिया फिर थर्सडे एक छोड़ेंगे फिर गैप उतना ही थर्सडे मेरा कितना था ट्वेंटी वन ये ट्वेंटी वन आ गया अब आप सोच रहे कुछ इसके बीच में आ जाए मान लो सेवन के बाद टेन आ गया तो सेवन के बाद एट नाइन टेन आप थोड़ा सा इधर से लेंगे फोरटीन के नीचे से उसको लेंगे ठीक है फ्राइडे मेरा आ गया फोरटीन और सैटरडे आ गया सेवन बस इस तरह से ये आपका एक बार ग्राफ कंप्लीट होता है इसमें ध्यान देने की सिर्फ ये ही चीज है कि ये डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए जितने भी लाइन पे चल रहे हैं ये नीचे भी डिस्टेंस सेम होने चाहिए इक्वल होने चाहिए और ये आपका जो डिफरेंस है यहाँ जो नंबर लिखेंगे उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए अलग अलग नहीं होना चाहिए बस बाकी आपका क्वेश्चन ठीक होगा गलत नहीं हो सकता अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कुछ इस तरह से आपने बनाना है ये भी डेज से रिलेटेड है यहाँ डेज हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ये बेटा थोड़े ड्राइंग आप अच्छे से बनाना पेंसिल और स्केल से मैंने एक रफली आइडिया दिया है यहाँ हमने देखो कितने से स्टार्ट किया है टू हंड्रेड से क्योंकि हमारे नंबर जा रहे थे थ्री टू जीरो जीरो तक तो यदि मैं हंड्रेड टू हंड्रेड लेता तो काफ़ी आगे तक चले जाते आप अपने अकॉर्डिंग फोर हंड्रेड से भी ले सकते थे फोर हंड्रेड एट हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड ऐसे भी आप जा सकते थे लेकिन इक्वल लेंगे अब जैसे मैंने टू से किया तो टू टू हंड्रेड फोर हंड्रेड सिक्स हंड्रेड एट हंड्रेड थाउजेंड दो सौ दो सौ के डिफरेंस पे जा रहे हैं अब मंडे मेरा कितना है नाइन हंड्रेड है मंडे तो देखो ये एट हंड्रेड है इसके बीच में कितना आएगा नाइन हंड्रेड ये मैंने नाइन हंड्रेड से ज्वाइन किया ट्यूजडे मेरा कितना है वन वन ज़ीरो तो ये हंड्रेड थाउजेंड है इसके बाद एक नंबर आधा ऊपर जाके ये कितना आएगा थाउजेंड वन वन ज़ीरो ज़ीरो आएगा फिर है वेडनेसडे वेडनसडे में है मेरा थाउजेंड ये आपकी बुक में है क्वेश्चन कहाँ से करें इस तरह से आप ये सारे प्लॉट कर देंगे और ये आपका क्या बन जाएगा फिर एक बारग्राफ बन जाएगा ठीक है अब एक लास्ट क्वेश्चन और रहता है थर्ड वो और एक बार मैं आपको उसका डायग्राम दिखा देता हूँ ये यहाँ पर डेज हैं नीचे डेज हैं और ऊपर नंबर ऑफ विजिटर्स हैं ये डिस्टेंस इक्वल रखना बस ये छोटे बड़े नहीं होने चाहिए जैसे मान लो आपने एक तो इतना ये कर दिया यहाँ से और दूसरे में डिफरेंस आपने ये दूसरा बना रहे हो यहाँ पर और तीसरा बना रहे हो फिर इसके साथ यहाँ पर ये गलत है ठीक है ऐसा मत करना ये डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए सारे सभी ये ध्यान रखना ठीक है नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं हुँ. इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन वन यूनिट लेंथ इक्वल टू फाइव फ्रूट इसमें हमारे पास यूनिट गिवन है क्वेश्चन में आप देखेंगे तो वन यूनिट लेंथ कितना है फाइव फ्रूट तो इसको ऐसे बनाएंगे मैं वन वन यूनिट से शुरू करना है इसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब एक यूनिट कितने के बराबर है फाइव तो एट यूनिट कितने के बराबर आई बताओ मुझे एट फाइव जा फोर्टी सेवन यूनिट कितने के बराबर आई सेवन फाइव जा थर्टी फाइव सिक्स यूनिट किसके बराबर आई सिक्स फाइव ज थर्टी और फाइव 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 जा ट्वेंटी फाइव ये इसलिए लिखा है ये यूनिट जब दे देते हैं तो आप ऐसे शुरू करेंगे वन टू थ्री फोर से ठीक है अब मेरे पास पाइनएप्पल है फोर्टी तो मैं कहाँ तक लेके जाऊँगा पाइन की लाइन को एट तक क्योंकि एट फाइव ज़ा फोर्टी बन जाएंगे ठीक है फिर अगला फ्रूट है मेरे पास ग्रेप्स ग्रेप्स हैं टेन तो टेन को कहाँ तक लेके जाऊँगा मैं टू यूनिट तक यहाँ तक टू फाइव जा टेन नेक्स्ट है फिर थर्टी फाइव मैंगो मैंगो थर्टी फाइव है दैट मीनस सेवन यूनिट तक जाएंगे हम सेवन फाइव जा थर्टी फाइव फिर इसके बाद में नेक्स्ट है एप्पल एप्पल है ट्वेंटी तो फाइव फोर जा ट्वेंटी फोर तक जाएंगे हम ये आ गया एप्पल फिर है हमारे पास नेक्स्ट है पपाया पपाया कितने हैं फिफ्टीन तो थ्री तक फाइव थ्री इजा फिफ्टीन एंड लास्ट है बनाना बनाना कितने ट्वेंटी फाइव तो फाइव तक हम जाएंगे ये इसका आ गया ट्वेंटी फाइव सभी के इस तरह से आपने नाम लिख देने यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल्स ये लिख देने ठीक है सर्वे किया गया था ये उसके अकॉर्डिंग है आप देखो क्वेश्चन नंबर ए इसमें पूछ रहा है हाउ मैनी इंप्लॉय वर सर्वे कितने इंप्लॉय ने जो है ये सर्वे किया था तो इन सभी को ऐड कर देंगे फोर्टी प्लस टेन प्लस थर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी फाइव जो भी आपके नंबर ऑफ पीपल दिए गए ना क्वेश्चन में आप उन सब को ऐड कर देंगे वन फोर्टी फाइव इंप्लॉयज आपका आंसर आएगा ए का बी में क्या कह रहे हैं च फ्रूट इज लाइक मोस्ट बाय द इम्प्लॉज सबसे ज्यादा फ्रूट कौन सा पसंद किया गया सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है फोर्टी पाइनएप्पल की मतलब पाइन एप्पल इज सबसे ज्यादा लाइक किया गया फिर कह रहे विच फ्रूट इज लाइक लीस्ट सबसे कम कौन सा पसंद किया गया ग्रेप्स ठीक है सबसे कम है क्योंकि ग्रेप्स की कितनी है फ्रीक्वेंसी टेन ही है डी क्या कह रहे हैं हाउ मैनी मोर पीपल लाइक पाइनएप्पल देन पपाया पाइनएप्पल से पपाया कितने ज़्यादा पीपल जो है वो लाइक कर रहे हैं इसमें तो पाइनएप्पल एपल फोर्टी था पपाया पंद्रह है तो माइनस कर देंगे ट्वेंटी फाइव पीपल ज़्यादा लाइक कर रहे हैं पाइनएप्पल को ठीक है तो ये आपकी एक्सरसाइज थी लेट्स ट्राई फाइव और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर नाइन कम्प्लीट हो गया काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर पहले चैप्टर नाइन कम्प्लीट बना दो कम्प्लीट कर दो तो मैंने आपको आपके लिए कम्प्लीट कर दिया है आप लोग अच्छे से अपने नोटबुक में इसको कर सकते हैं ठीक है आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं ओके बाय टू ऑल ऑफ यू